दोस्तों, रेस्टोरेंट्स हो या फिर रास्ते के बाजू में मिलने वाली पाव भाजी, सभी को ये दोनों बहुत पसंद होती है। तरह तरह के खाने की चीजें बेचते हुए लोग आपको रास्ते के बाजू में दिखाई देंगे और हम उनका खाना आंख बंद करके खा लेते हैं। लेकिन खाना बनाना एक बहुत ही जिम्मेदारी और समझबूझ का काम है, जिसे बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनाया जाना चाहिए और इसमें जरा से भी लापरवाही किसी की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी घटिया हरकतों से आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ लोग दिखाएंगे जिन्होंने बहुत ही गंदे और घटिया तरीके से खाने की चीज़ें बनाई है और लोगों को खिलाई भी है, जिन्हें देख के आपको घिन तो आएगी, साथ में उन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आएगा, क्योंकि आखिर कोई खाने के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आँखें खोलने वाली है। ऐसी वीडियो आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। खाने को लगभग हर जगह बहुत ही मान दिया जाता है, क्योंकि यह हमारे पेट में लगी भूख की आग को मिटाता है और गिरे या फेंके हुए खाने पर पैर रखना भी हम पाप समझते हैं, जिससे कि खाने का अपमान भी होता है, क्योंकि बचपन से ही हमें यह सिखाया गया है कि खाने की हमेशा इज्जत करो। लेकिन कुछ लोगों को इसकी ज़रा से भी समझ नहीं है। अभी इस वीडियो में आप जो आदमी देख रहे हैं वो एक बहुत ही बड़े खाने से भरे बर्तन में खड़ा है और उसमें से बाल्टियों में खाना निकाल कर ऊपर खड़े आदमी के हाथ में दे रहा है। इस जगह के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमें नहीं मिल सकी, लेकिन अगली बार आप कहीं भी खाना खाते समय इस बात का ख्याल ज़रूर रखना। कई जगहों पर ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जहाँ खाने की चीज़ें बनाई जाती है और करीब हर उस फैक्ट्री में खाने की सफाई, क्वालिटी और हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। लेकिन आज भी ऐसी कई जगह है जहाँ इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ गुड़ बनाया जा रहा है। लेकिन जो आदमी उस बड़ी सी ट्रे में से गुड़ निकाल रहा है वो उसी ट्रे में खड़ा होकर गुड़ निकाल रहा है। कैसा लगेगा अगर आप जिस थाली में खाते हो उसी में पैर दो? इतना ही नहीं, उस आदमी ने अपने पैरों में चप्पल भी पहनी हुई है और वो गुड़ भरते ही चला जा रहा है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो किस तरह से बना रहा है। और फिर कमेंट में कुछ लोग मुझसे आके कहेंगे कि भाई गुड़ ऐसे ही बनाया जाता है, तो यार लोग आपको कुछ भी खिलाएंगे क्या आप खा लेंगे? गरीब आदमी है, क्या करेगा, है ना? लेकिन आप ही सोचो, ये कंपनी का मालिक तो गरीब नहीं होगा ना, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। भारत की एक और जगह की इस वीडियो को भी देख लीजिए। ऐसे ही गंदे तरीके से गुड़ बनाने का काम यहाँ भी किया जाता है, जिसमें कई सारे गन्नों में से जूस निकालकर इकट्ठा किया जाता है। फिर इस वीडियो में आप जो गंदा सा पाइप देख रहे हैं उसके जरिए एक बड़े से पतीले में इसे डाला जाता है, जो कि एक बहुत ही गंदा पतीला है, मानो उसे ये लोग कभी धोते ही नहीं हो। और इस पतीले को गंदा बोलने की वजह आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगी। पतीले में पाइप से गन्ने का जूस डालते समय आपको उसमें एक लाल कलर की गंदी सी प्लास्टिक बैग भी दिखाई देगी, लेकिन उससे गुड़ बनाने वाले लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं और क्या क्या गिरा हुआ हो सकता है इस जूस के अंदर। गुड़ बनने के बाद इस गुड़ के पेस्ट को निकालने के लिए एक आदमी चप्पल पहने ही उस बड़े से पैन में उतरता है, जैसे कि आपने इस वीडियो की शुरुआत में भी देखा। अब पैन को गंदा कहने की वजह हम आपको बताते हैं। पैन में जो गुड़ निकालने के बाद जब उसको वापस गुड़ बनाने के लिए ले जाया जा रहा है, तब आप साफ देख सकते हैं कि ना तो उस पैन को धोया गया है और ना ही साफ किया गया है, जबकि उसी पतीले में एक आदमी चप्पल पहनकर पहले उतरा था। इतनी लापरवाही से कुछ लोग खाने की चीज़ें बनाते हैं जिसमें ना तो सफाई का ख्याल किया जाता है और ना ही फूड की क्वालिटी का, और ये चीज़ें हम लगभग हर रोज इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों को देखकर घिन तो आती है और साथ ही में गुस्सा भी आता है। गाइस, पानीपुरी या गोलगप्पे खाना सभी को पसंद है और इसे खाने के लिए हम कई अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे किस तरह और कितनी साफ सफाई में बनाया जाता है? अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें ये आदमी पानीपुरी का यही चटपटा पानी बना रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो कैसी जगह में ये पानी बना रहा है। और इसे बनाने के लिए जो पानी वो इस्तेमाल कर रहा है वो डायरेक्ट एक नल से
पाइप के जरिए उसके सीधे बर्तन में जा रहा है और ये पानी कौन सा है या फिर किधर से आ रहा है ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस पाइप के आजू बाजू का माहौल बहुत ही अनहाइजीनिक है, जिसके बाद ये आदमी उस बर्तन में दो गंदे कंटेनर्स डालता है यानी कि डुबो देता है, जिसमें वो ये पानी भर लेता है जो कि आप देख भी सकते हैं कि कितना गंदा है। बाजू में ही कपड़े धोने का साबुन भी पड़ा हुआ है और इसी पानीपुरी के पानी को हम लोग चटकारे लेकर मजे से खाते हैं और दूसरे ही दिन हमारा पेट खराब हो जाता है। अगली बार जब भी आप कभी पानीपुरी खाने जाए तो इस आदमी को जरूर ध्यान में रखना और केवल उसी पानीपुरी वाले से पानीपुरी खाए जिस पे आपको भरोसा है। दूध शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक माना जाता है, लेकिन अभी जिन भाई साहब को आप देख रहे हैं वो जो दूध बेचते हैं वो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है, इसलिए वो इस दूध में अच्छी तरह से पानी भी मिलाते हैं और इसके लिए इन भाई साहब को बॉटल या नल में से कहीं से पानी लाने की जरूरत भी तो नहीं है, क्योंकि उनके बगल में ही एक तालाब है जिसमें से उनकी नाव चल रही है और ये भाई साहब उसमें से ही जग से पानी निकाल कर दूध में अच्छे से डाल देते हैं। अब पास में ही इतना साफ और सुथरा पानी हो तो उसे दूध में डालना तो बनता ही है ना। सच में इस आदमी के कॉन्फिडेंस को मानना पड़ेगा कि किस तरह से ये सरे आम दूध में तालाब का इतना गंदा और कीटाणु भरा पानी डाल रहा है और यही दूध हमारे घरों में आता है जिसे हमारे बच्चे और हम लोग पीते हैं और इसी के वजह से हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन इन लोगों को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पाव भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली चीजों में से एक है, जो वड़ा पाव जैसे मशहूर खाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाव का पाव ये नाम कैसे पड़ा? नहीं पता ना, शायद उसके बनाने के तरीके से, क्योंकि इसे पाव से नाच नाच कर बनाया जाता है। जिस तरह पाव का आटा ये लोग गूंद रहे हैं उससे तो ऐसा ही लगता है मुझे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पाव बनाने के लिए पाव से ही आटा गूंदा जा रहा है। इतना ही नहीं, इस आटे को जमीन पर रख कर गूंदा जा रहा है जिधर धूल मक्खियां गंदे कीटाणु मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मक्खियों और गंदे पैरों के अलावा इसकी रेसिपी में क्या स्पेशल चीज जलती है? पाव बनाने वालों के हाथों की वजह से वो और भी टेस्टी लगते हैं। सच में इनके हाथों में बहुत जादू है और ये जादू आता कहाँ से है? बिल्कुल पाव बनाने वाले के बगल से। पता नहीं इस आदमी ने पाव बनाने से पहले और किस किस जगह को खुजाया होगा जिसके बाद ये पाव बन जाते हैं, जिसे हम अलग अलग चीजों के साथ खाते हैं, क्योंकि हमें यार पता ही नहीं चलता कि इस पैकेट के अंदर होने वाले पाव को बनाया कैसे जाता है। गाइस, सभी लोग ऐसे होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी घटिया होते हैं, यही हम आपको आज की इस वीडियो में दिखाना चाहते थे। इसीलिए संभल कर रहिए और इस वीडियो को भले ही आप लाइक मत करना, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पर दोस्तों और फैमिली के साथ इतना शेयर करना कि ये हर किसी के पास पहुंच जाए, जिससे किसी के जान के साथ खिलवाड़ करने वाले इन लोगों से बचा जा सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।